ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया हरी झंडी विखा के वैनां दे जिस काफले नूं रवाना कर रहे हैं वो पूरे सूबे ते पंजाब सरकार दीआं प्राप्तियां नूं जन जन तक पहुंचाउणगीआं। 50 वैनां दा काफिला मोहाली तो पूरे सूबे लई रवाना हो चुका है। इन्हां वैनां ते पोस्टां जरिए सरकार वल्लों अपने कार्यकाल विच कीते विकास दे कम्मां दी जानकारी दित्ती गई है। इन्हां वैनां ते लगियां LED स्क्रीनां जरिए विकास दे होके नूं जनता तक पहुंचाया जाना है। चाहे जितनी भी नीतियां हो उन नीतियों को इस वैन पर डिस्क्राइब किया गया है, चाहे वो साइकिल स्कीम होए या इन्वेस्टमेंट स्मिट होए या लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया हो, सभी स्कीमों के बारे में, सभी नीतियों के बारे में यहां पर दिखाया गया और तमाम आप देख सकते हो कि किस तरह से इस जो प्रचार वैन को डेकोरेट किया गया है। 50 वैन है। कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया मुताबिक सरकार ने विकास के जो काम किए ने उनका सुनेहा जनता तक पहुँचाने लिए ये मुहिम वीडी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर च केरला तो बाद पंजाब नू नंबर 2 स्थान दिता है कि सब तो वैल कनैक्टेड सूबा है। औली की भू बोल की तस्वीर या पंजाब की एयर कनैक्टिविटी बारे भी इन्हों सारा कुछ इन्होंने वैनों के प्रचार राही मीडियम राही भेजा जाना पिंड तक पहुँच करनी है। पंजाब का प्रकाश ये सुनिया लैके यह वैना हुण पूरे सूबे के पिंड पिंड शहर शहर च घूमदिया नजर आउणगियां ते इन्हां दा मकसद लोकां नूं सरकार दीआं प्राप्तियां बारे जानकारी देना है ते मिशन सत्ता दी हैट्रिक है। रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली।